Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दहशतगर्दों की पनागाहें पाकिस्तान के ये खतरा हैं। पाकिस्तानी हुकूमत का आदमी इस्तेहकाम किसी के लिए फायदेमंद नहीं। अमरीकी वजीर खारिजा की सुषमा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, अफगान मसले पर सह फरीकी इजलास मुनक्किद करने पर इत्तेफाक। आसिफ जरदारी और फ्रियाल तालपुर को जब तक आप इंसाफ के कटहरे में नहीं खड़ा करेंगे या कोई इस्लाहत नहीं हो सकती। इस तरह आसिफ जरदारी अब माफिया के सरदार है। नवाज शरीफ से उसकी करप्शन की जंग नहीं थी, उनके सारे जितने भी कंट्रोल्ड इदारे हैं उन सबके खिलाफ जंग। आसिफ जरदारी करप्शन माफिया के सरदार हैं। कब्जा माफिया को जरदारी की सरपरस्ती हासिल है। कप्तान के कराची में साबिक सदर पर बाउंसर्स, फरियाल तालपू को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा, कहा नैब सिंध में करप्शन की तहकीकात करे। कप्तान पेश होंगे या नहीं, सबको इंतजार। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में तौहीन अदालत केस की समाअत कल होगी। कमीशन ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंट मुअत्तल कर दिए थे। दस्तावेजात से मालूम नहीं होता रकम किस अकाउंट में मुंतकिल हुई। जहांगीर तरीन केस में इतना है। पनामा केस में काबिले वसूल तनख्वाह जाहिर न करने पर फैसला दिया गया। ना अहली केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, समाअत 7 नवम्बर तक मुलतवी। जहांगीर तरीन व्हाइट कॉलर क्राइम के सरगुना हैं। की नाअहली नौशताए दीवार है। तलाल चौधरी के वार, दानियाल अजीज बोले जहांगीर तरीन ने नौकरों के नाम से जायदादें बनाई। राणा सनाउल्ला ने कहा कि हमारे साथ ना इंसाफी की जा रही है। इन रेफरेंसेस में जो है वो बिल्कुल पेश होगी। तारीख पर तारीख और टिकट पर टिकट, नवाज शरीफ की वतन वापसी का शेड्यूल फिर तब्दील। साबिक वजीर आजम रवा साल अदालतों में पेश ही नहीं होंगे। 7 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगे। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को कल तलब कर रखा है। नैब रेफरेंसेस में नवाज शरीफ पर फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। तीनों रेफरेंसेस को यकजा करके एक ही फर्दे जुर्म आयद करने के अहकाम जारी करने की सदा, अदालत ने वफाक से जवाब तलब कर लिया। धरना ग्रुप की आवाम दुश्मन पॉलिसियां पूरी कौम के सामने आश्कार हो चुकी। शहबाज शरीफ की तनकीद, कहा माजी में कौमी वसाइल पर डाके डाले। तवानाई मंसूबों के नाम पर पीपल्स पार्टी ने घिनौना खेल खेला। माजी की हुकूमत ने से ये काम नहीं किया, मौजूदा हुकूमत ऐलान करदा काम मुकम्मल कर रही है। स्कर्दू एयरपोर्ट की तामीर का काम भी जल्द शुरू होगा। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब से वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का खिताब। कराची ऑपरेशन दुनिया का बेहतरीन टारगेटेड ऑपरेशन था, जिसमें किसी मासूम का नुकसान नहीं हुआ। वजीर आला सिंध की फॉरन सर्विस अकेडमी के अखात में गुफ्तगु, कहा सिंध में दहशतगर्द बलूचिस्तान की सरहद से आते हैं। कराची को रिवाइव करने का मतलब क्या है? कराची को रिवाइव करने का मतलब यह है कि पाकिस्तान ग्रोथ को आपने रिवाइव करना है। कराची में अमन के लिए वफाक ने काविशें की। लोग जानते हैं कि रेंजर्स बैठी है तो कारोबार कर सकते हैं। गवर्नर सिंह का कराची में तकरीब से खिताब, हाथ होने के बाद अब शहर कायद PSL मैचेस की मेजबानी भी करेगा। हैदराबाद में मुसल्ला अफराद की फायरिंग, MQM पाकिस्तान के मकामी रहनुमा नौशाद शेख कत्ल। CCTV फुटेज से मुलजमान की शनाख्त, जिम्मेदार के कत्ल के खिलाफ मुत्तहिदा पाकिस्तान का कल यौम सोग मनाने का ऐलान। लंदन से अलहदगी के बाद MQM पाकिस्तान का पहला यौम सोग। पौने 6 अरब रुपए करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार शर्जील इनाम मेमन की कमर में तकलीफ। सेंट्रल जेल कराची में फिजियोथेरेपिस्ट तलब। जेल के मेडिकल ऑफिसर ने जिना अस्पताल के डायरेक्टर को खत लिख दिया।
नैब जिस पर चाहता है जुल्म करता है, जिसे चाहे छोड़ देता है। बड़े करप्शन स्कैंडल्स को नैब ने देखा तक नहीं। महकमा तालीम सिंध गैर कानूनी भर्ती केस में सुप्रीम कोर्ट नैब पर बरहम। कहा एहतसाब ब्यूरो ने मुल्जिमान के खिलाफ तफरीही रवैया अपनाया हुआ है। पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तलबी, एहतजाजी मरासला थमाया गया। भारतीय इश्तियाल अंगेजी से दो खवातीन शहीद हो गई थी। कप्तान के खिलाड़ी मारिंग शेयर करेगा हरीफों का शिकार या तीर का चलेगा वार। NA4 पिशावर में जिमनी इंतखाब कल होगा। इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशंस पर तरसील मुकम्मल। आज न्यूज की खुसूसी कवरेज। मियां इफ्तिखार कहते हैं चार बरस में सूबे में कोई तब्दीली नहीं आई। हकीकी मानों में इन्होंने तालीमी इदारों में तब्दीली लानी थी, कुछ नहीं लाया। काफी मायूसी है। इन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया कि लोग मुतमईन नहीं हैं और हम चाहते हैं कि हम समझते हैं कि तब्दीली नहीं आई। कंदील बलोच कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम मुफ्ती अब्दुल कवी का लाहौर में पॉलीग्राफिक टेस्ट कर लिया गया। मुफ्ती साहब के दिफा में उनका खानदान भी। चचा कहते हैं कि कंदील अपनी मर्जी से मुलाकात के लिए होटल आई। पुलिस बिला जवाज अब्दुल कवी को घसीटना चाहती है। जब इल्मी हवाला से मुफ्ती अब्दुल कवी की शख्सियत को दागदार न किया जा सकता तो एक हल्के बदख्वाहान ने उन पर इल्जाम तराशी का नया भूंडा रास्ता इख्तियार किया। ये जब भी आप अपने होम में खेलते हैं और अगर जीते भी होंगे और जब वहाँ अपने ट्रॉफी उठाएंगे तो वो खुशी जो है जाहिर सी बात वो यहाँ तो नहीं मिलेगी। जब अपने मुल्क में और अपने लोगों के सामने जाहिर सी बात अगर वो जीती भी ट्रॉफी उठाएंगे तो ज़्यादा खुशी। UAE में पाकिस्तानी सफीर की जानिब से कौमी टीम के एजाज में तकरीब, खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। एक बार फिर लाहौरी बनेंगे मेजबान, श्रीलंकन प्लेयर्स होंगे मेहमान। लाहौर में तीसरे इंतजाम की तैयारियां जारी। कजाफी स्टेडियम में पुलिस कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने श्रीलंकन वफद आज लाहौर आएगा। अदाकारा को दूसरी शादी से रोका जाए, मीरा के मुबैना शौहर अतीकुर रहमान ने लाहौर की मकामी अदालत में एक और दरख्वास्त दायर कर दी। मीरा कहती हैं मुल्क में खवातीन के साथ बहुत ज्यादती होती है, उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा। तो इंटरनेट पर आप मेरे हवाले से आप देखते हैं मुझे सिर्फ बदनाम और परेशान करने के लिए ये सारा ड्रामा जो है वो रचाया गया है। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान जीप रैली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मिक पहुंच गए। रैली में मुल्क भर के ड्राइवर्स शरीक। और मोहब्बत की पुकार का सहर 37 बरस बाद भी बरकरार। लाजवाल नज़्में नगमे और गीत आज भी कानों में रस बोलते हैं। जो कहते हैं कि अमेरिका को साफ साफ बता दिया कि इमदाद नहीं चाहिए, ताल्लुकात बराबरी और वकार के साथ चाहते हैं, माजी की तरह कोई मुफाहमत नहीं करेंगे। अफगान जनता फौजी हल नाकाम हो गया, मसला मुजाकरात से हल होगा। अमेरिका की प्रॉक्सी जंग नहीं लड़ सकते। सेनेट में अमेरिकी वजीर खारजा रेक्स टेलरसन के साथ मुलाकात की तफसीलात बताते हुए ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि मुल्क के तमाम इदारे पाकिस्तान के मफाद का आखिरी दम तक तहफ्फुज़ करेंगे। इख्तदार के लिए सिर्फ अल्लाह के बाद अवाम की रजा चाहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का तजुर्बा और कामयाबियां नाकाबले। उनको क्लैरिटी के साथ कहा है जनाब चेयरमैन कि हमें आपकी कोई इमदाद नहीं चाहिए, हमें कोई मिलिट्री हार्डवेयर नहीं चाहिए, हमें कोई इकोनॉमिक इमदाद नहीं चाहिए, कोई मटेरियल गेन्स हमें आपसे नहीं चाहिए।
सिर्फ चाहते हैं कि आपके हमारे तल्लुकात बराबरी की बुनियाद पे हों, सेल्फ रिस्पेक्ट की बुनियाद पे हों, डिग्निटी की बुनियाद पे हों, हमें अपना वकार चाहिए। हमने उनको कहा है कि आप एक्शनेबल इंटेलिजेंस दें, हम उसके ऊपर एक्ट करेंगे। आपने हमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस दी, हमने उस एक्शनेबल इंटेलिजेंस पे एक्ट किया और आपके हॉस्टेज छुआए। जो एफर्ट है दहशतगर्दी के खिलाफ, इसमें हमारा तजुर्बा, हमारी कामयाबियां जो है वो अनमैच्ड है। लेकिन अगर वो चाहेंगे कि हम उनकी प्रॉक्सी बन के उनकी जंग लड़ें, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हमें अल्लाह की रजा के बाद इस मुल्क के अवाम की रजा चाहिए अपने इख्तदार के लिए। तमाम अदारे जो हैं वो पाकिस्तान के मफाद को आखिरी दम तक जो है प्रोटेक्ट करेंगे। हम माली की तरह कोई कम इसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं आपको मिलेगा, ये मुजाकरात के साथ आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। मिलिट्री सोल्यूशन है से अगर आप समझते हैं कि हम उनको घेर घार के टेबल पे लेके आएंगे। एक दफा लेके आए, आपने मुल्ला उमर की न्यूज लीक कर दी थी, जी वो रुखसत हो गए हुए हैं। दूसरी दफा हम घेर के ले आए, आपने मुल्ला मंसूर को हमारी सरजमीन के ऊपर 400-500 किलोमीटर वो ट्रेवल करता रहा उसको, जब लेकिन हमारी सरजमीन पर उसको मार दिया। लेकिन नाज़रीन दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने एक बार फिर कहा है कि दहशतगर्द ग्रुपों की पनागाहें पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। पाकिस्तानी हुकूमत का अदम इस्तेहकाम किसी के लिए भी फायदा मंद नहीं होगा। रेक्स टिलरसन ने यह तमाम गुफ्तगू भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। उनका यह भी कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुषमा स्वराज ने बताया कि अफगान मसले पर अफगानिस्तान और अमेरिका का सह फरीकी इजलास जल्द मुनक्किद करने पर इत्तेफाक किया गया है। We also are concerned about the stability and security of Pakistan's government as well, as these terrorist organizations have enlarged their numbers and have enlarged their strength. This can lead to a threat to Pakistan's own stability. It is not in anyone's interest that the government of Pakistan be destabilized. हमने शीघ्र ही भारत अमेरिका अफगानिस्तान त्रिपक्षीय बैठक के आयोजन पर भी अपनी सहमति दे दी। लेकिन एक अहम बात यह है कि अमरीकी वजीर खारजा ने मकबूजा कश्मीर में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर एक लफ्ज भी नहीं बोला। उनके ख्याल में शायद मकबूजा वादी की कोई अहमियत ही नहीं है, हालांकि यही वो बुनियादी मसला है जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाजे की असल वजह है। जब तक मसले कश्मीर हल नहीं होगा, पाक भारत ताल्लुक में बेहतर कम दिखाई देते हैं। न्यूज शो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इमरान खान की, जिन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तीरों की बारिश कर दी है। कप्तान कराची में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी करप्शन माफिया के सरदार हैं। कब्जा माफिया को आसिफ जरदारी की आशीर्वाद हासिल है। साथ ही साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि जरदारी साहब करप्शन का पैसा बाहर भिजवाते हैं और नैब सिंध में करप्शन पर तहकीकात की जानी चाहिए। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को जब तक आप इंसाफ के कटहरे में नहीं खड़ा करेंगे, या कोई इस्लाहत नहीं हो सकती। जिस तरह वहां नवाज शरीफ एक माफिया के सरदार हैं, इस तरह आसिफ जरदारी अब माफिया के सरदार हैं। सारा कुछ कंट्रोल करते हैं, सारी भर्तियां, पोस्टिंग, ट्रांसफर, जो भी फंड होता है वो इनसे अप्रूवल के बगैर नहीं जाता। कोई इदारा ऐसा नहीं है जो इनका कंट्रोल नहीं है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी का कहना है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के हाथ बंधे हुए थे, मुझे ऐवान निकलने नहीं दिया गया। आइंदा इंतखाबात में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। मुल्क की सियासत में तूफान बदतमीजी बरपा है। धांधली का सोचने वाले अब मैंडेट चोरी नहीं कर सकेंगे। आसिफ अली जरदारी से मुतालिक आपको अपडेट, ने कहा कि गुज़िश्ता इलेक्शन में हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमें सही तौर पर इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई, मुझे ऐवान सदर से निकलने नहीं दिया गया, लेकिन आइंदा इंतखाबात में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी और मुल्क की सियासत में इस वक्त तूफान बदतमीजी बरपा है। धांधली का सोचने वाले अब मैंडेट चोरी नहीं कर सकेंगे। और अब खबर है ओपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह से मुतालिक, जिन्होंने
की गिरफ्तारी को इम्तियाजी सलूक करार देते हुए चेयरमैन नैब को मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शर्जील मेमन की गिरफ्तारी से नैब की बदनामी हुई, जिनके जमानत वारंट जारी हुए उन्हें तो एक घंटे में जमानत मिली, लेकिन दूसरी जानिब अदालत में पेश होने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इमरान खान सिर्फ गालम गलोच की सियासत करके नुमाया होना चाहते हैं। क्लेम नहीं किया, कुछ नहीं, नैब ने कोई वारंट गिरफ्तारी शो नहीं की, बेशर्मी के साथ अरेस्ट किया गया है, ये किसको दिखाना चाहते हैं? नैब चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल साहब इसका स्पेशली नोटिस लेंगे, कमीशन क्यों हुई है, नैब की बदनामी, फैसला किया है कि पाकिस्तान में जो नैब ला हो या कोई भी कानून हो वो बराबरी सबके लिए। मजीद अहम खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको खबर दें कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कल इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे, उनके खिलाफ तौहीन अदालत है। इमरान खान पहली बार इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे, ये फैसला पीटीआई की सीनियर क़यादत के आज होने वाले इजलास में किया गया। इससे कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से तौहीन अदालत केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, जिसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मौतल। इमरान खान तौहीन अदालत केस की समाअत कल होगी और इमरान खान इस समाअत में पेश भी होंगे। आज की एक और बड़ी खबर यह है नाजरीन के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने वतन वापसी का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया है। नवाज शरीफ अब अगले बरस जनवरी लौटेंगे। शेड्यूल की तब्दीली के बाद नवाज शरीफ के कल अदालत में पेश न होने के इम्कान पैदा हो गए हैं और उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर रिटायर्ड एहतसाब अदालत में पेश होंगे। मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद अदालत ने इस्तगासा के गवाहों को बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर रखा है। पनामा मुकदमे के फैसले पर नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ नैब ने एहतसाब अदालत में तीन मुकदमा दायर किए थे। पहला मुकदमा लंदन फ्लैट्स का, दूसरा जद्दा और दुबई स्टील मिल्स का और तीसरा 15 गैर मुल्की कंपनियां बनाने का है। नवाज शरीफ और बेटे तमाम मुकदमात में मुलजिम हैं, जबकि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को लंदन फ्लैट्स वाले मुकदमे में मुलजिम बनाया गया है। अदालत पेश न होने पर हसन नवाज और हुसैन नवाज मफरूर हैं और उनका मामला से अलग हो चुका है। अदालत ने हाजिर होने वाले तीनों मुलजिमों यानी नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद की जमानत मंजूर करके उन पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी है। साबिक वजीर आजम पर इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने वजीर आजम का ओहदा रखते हुए माली फवायद हासिल किए, बिरौने मुल्क कंपनियाँ और जायदादें बनाई और उनके मालिक बच्चे असल में नवाज शरीफ के बेनामी दार हैं। अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तीनों मुकदमात में इस्तगासा के गवाहों और शहादतों को तलब करने का हुक्म जारी कर रखा है। तलब किए जाने वाले गवाहों में टैक्स ऑफिसर शामिल हैं। एमकेएम पाकिस्तान के मकतूल रहनुमा डॉक्टर नौशाद शेख की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज फारूक सत्तार और आमिर खान समेत अहले खाना ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दूसरी जाने पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों को शनाख्त कर लिया है। एमक्यूएम डॉक्टर नौशाद को हैदराबाद में उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो सुबह सवेरे अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर घर वापस आ रहे थे। मोटरसाइकिल पर सवार घात लगाए दो मुलजमान ने घर के करीब पहुंचते ही डॉक्टर नौशाद शेख पर गोलियां बरसा दी। मकतूल रहनुमा को अस्पताल मुंतकिल किया गया, अनबन ना हो सके। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों की शनाख्त कामरान करेला और शाहिद डांसर के नाम से कर ली है। दूसरी जानिब एमकेएम पाकिस्तान ने अपने रहनुमा के कत्ल के खिलाफ जुमेरात को सोग मनाने का ऐलान किया है। न्यूज शो में आपसे मजीद अहम खबरें शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। के वनडे सीरीज में फतह के बाद हौसले बुलंद हैं। जीते हुए होंगे और जब वहाँ अपने शायकीन के सामने ट्रॉफी उठाएंगे तो वो खुशी जो है जाहिर सी बात है वो यहाँ तो नहीं मिलेगी, जब अपने मुल्क में और अपने लोगों के सामने जाहिर सी बात है अगर वो जीती हुई ट्रॉफी उठाएंगे तो ज्यादा खुशी मिलेगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंजरी की सेहतयाबी के बाद टीम को अबू धाबी में ज्वाइन कर लिया है।
देंगे स्वात और शांगला से ताल्लुक रखने वाले ताइक्वांडो के खिलाड़ियों ने बैंकॉक इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों को शिकस्त देकर 2 चांदी और 1 कांसी का तमगा जीत लिया। सवात और शांगला दियारे गैर में मुल्क का नाम रोशन कर दिया। सवात और शांगला से ताल्लुक रखने वाले ताइक्वांडो के खिलाड़ियों ने तैराक इंटरनेशनल ताइक्वांडो में उम्दा कारकर्दगी दिखाते हुए 2 चांदी और 1 कांसी का तमगा जीता। मैंगोरा के नवीदुर्रहमान और शांगला के फजल कादर ने भारतीय खिलाड़ियों को हरा कर चांदी के तमगे हासिल किए। सवात ही के अयाज नाइक ने 58 किलोग्राम कैटेगरी में कांसे का तमगा हासिल किया। इवेंट में दुनिया के 20 ममालिक के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पेशावर में कौमी असेंबली के हलका NH4 पर जिमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग में 3 लाख से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 5,000 से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। फौज की मुआवनत भी हासिल होगी। हलके में दफा 144 नाफिज होगी। पेशावर से देखिए काशान। पेशावर में कौमी असम्बली के हलका NA4 में जिमनी इलेक्शन में 3,97,904 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। हल्के में मर्द वोटर्स की तादाद 33,164 जबकि 1,62,740 खवातीन वोटर्स हैं। हलका NA4 खाब के लिए कुल 269 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 147 मर्दों के लिए, 111 खवातीन और 11 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। तमाम इंतखाबी मवाद फौज की निगरानी में इंतखाबी अमले के हवाले कर दिया गया। पेशावर से ये रिपोर्ट आपने देखी। मजीद अहम खबरें देखिएगा इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मजीद खबरें। जहांगीर तरीन नाअहली केस में अदालत उज़्मा का कहना है कि जहांगीर तरीन केस में ईमानदारी को देखना है, जब तक बेनामीदार एतराफ ना करे वो मालिक ही रहता है। जस्टिस कैसल अरब ने कहा कि जहांगीर तरीन को फैमिली ने 10 करोड़ 90 लाख तो और उसी साल जहांगीर तरीन ने 52 करोड़ 50 लाख बच्चों को दिए। बताया जाए कि ऐसा क्यों हुआ। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जहांगीर तरीन नाअहली केस की समाअत की। जहांगीर तरीन के वकील सिकंदर बशीर ने बताया तरीन ने 2011 में 25,04,000 पाउंड और $11 लाख बैरून मुल्क मुंतकिल किए, जबकि 2012 में 5 लाख पाउंड की रकम बाहर मुंतकिल की गई। लंदन में घर की तामीर के लिए 21 लाख पाउंड बैंक से कर्जा भी लिया। वकील ने बताया कि पाकिस्तान से रकम ऑफशोर कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल हुई। जस्टिस फैसल अरब बोले कि जहांगीर तरीन को फैमिली ने 10 करोड़ 90 लाख तोहफे में दिए और इसी साल जहांगीर तरीन ने 52 करोड़ 50 लाख बच्चों को दिए। वकील ने कहा फंड्स की जरूरत पर बच्चों ने बतौर तोहफा रकम भिजवाई। जस्टिस ने कहा कि कंपनी जवाब में बेईमानी नजर नहीं आती, ताहम मुकदमे में ईमानदारी को देखना है। चीफ जस्टिस सीट जमा न करने का तस्करा किया तो वकील ने दाखिल कराने की यकीन दहानी करवाई। आइंदा समाअत 7 नवंबर को होगी। लीग रहनुमा तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और राना सनाउल्ला का कहना है कि इमरान खान अल्लाह से माफी मांगे, क्योंकि जिस दिन रेहम खान का मुंह और हाइकर गुल अली का मोबाइल खुला तो कप्तान की असल औकात सामने आ जाएगी। जहांगीर तरीन व्हाइट कॉलर क्राइम के सरगना है। में अभी आपके फाइनेंशियल के पोल खोले हैं, खुदा से माफी मांगे, तोबा करें और ये भी मांगे कि जिस दिन रेहम खान की जुबान और गुले लई का मोबाइल खुला तो आपकी असल औकात जो है वो लोगों के सामने खुल के आ जाएगी। हम भी पाकिस्तान के ही शहरी हैं, आप ही से हमने बराबरी का सलूक लेना है, आप ही से हमने तो इन चीजों का ख्याल किया जाए। नहीं तो अगर ये तासर चला गया कि एक जमात को तबाह किया जा रहा है और एक जमात को पनाह दी जा रही है तो फिर अवाम का जो रद्द अमल है आखिरकार यही अदारे जो हैं अवाम के इस तरह का जो फ्रॉड जो एहतसाब है उसको मियां नवाज शरीफ ने ये फैसला किया है कि वो बिल्कुल फेस करेंगे। शरीफ फैमिली इन रेफरेंसेस में जो है वो बिल्कुल पेश होगी। रुक कर लेते हैं कराची का, जहां छुरी मार तो पुलिस के हाथ नहीं लग सका। ताने जौहर में लुटेरे अब दिन दिहाड़े लड़कियों से लूट मार जरूर करने लगे हैं। गुलिस्ताने जौहर का छुरी मार तो पुलिस के हाथ ना लगा। इलाके में कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों पर रोजाना हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन सारी कोशिशें बेसूद साबित हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद गुलिस्तान जौहर में दिन दिहाड़े लूटमार की वारदातें भी शुरू हो गई हैं। ब्लॉक 13 की फुटेज को देखिए, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने 2 तालबात को रोका।
एक तालबा हालात को भांपते हुए फौरन भाग निकली, लेकिन दूसरी तालबा से डाकुओं ने लिया। दोनों डाकू इस वारदात के बाद बआसानी फरार हो गए। न जाने गुलिस्तान जौहर में तैनात पुलिस एहलकार इस वक्त कहां थे जब ये डाकू दंदनाते फिर रहे थे। फैजांजलीस, आज न्यूज कराची। अहम खबरें अपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aaj.tv। आज के साथ रहिए।